Hey guys, welcome to my class. My name is Kanchan and you are watching English Connection. Guys, आज का दिन एक सीरीज का पार्ट है. बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज की शुरुआत की है मैंने. आज है डे 19 और आज का टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस. इसे फ्यूचर सिंपल टेंस भी बोलते हैं. डे 18 में आपने पास्ट इनडेफिनिट टेंस सीखा, उसे भी पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते थे. और डे 17 में आपने सीखा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस और उसे भी प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं. तो इनके दो दो नाम हैं, इसलिए आप कन्फ्यूज ना हो. आप ये समझ लें कि इन दोनों को एक ही चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है. अब हम बात करते हैं कि हम इन्हें यूज़ कब करते हैं और इनकी क्या पहचान होती है. तो गाइस फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं शैल और विल, इन दोनों में जो कंफ्यूजन है वो इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सारे टिप्स जो आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिंदगी भर आपके काम आएंगे. लेट्स बिगिन. सबसे पहले तो गाइज मैं ये बता दूं कि अगर आपने इस सीरीज का एक भी पार्ट मिस कर दिया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक है, आप वहां जाके उन्हें देख सकते हैं. सीरीज की वन बाय वन वीडियोस को देखेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे. अब बात करते हैं पहचान की. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि सेंटेंस के एंड में गा गी गे ये आएंगे, इससे आप पहचान सकते हैं. और आप सबसे ज्यादा इन्हें तब यूज करते हैं जब आप कोई चीज तुरंत डिसाइड करते हैं, मतलब कि जो चीज़ें प्लान्ड नहीं होती और आप अचानक से वो सेंटेंसेस बोलते हैं कि मैं ये करूँगा, ठीक है, कोई प्लानिंग करके नहीं बोलते, तब आप इन्हें यूज़ करते हैं. और इसमें आप यूज़ करते हैं ये हेल्पिंग वर्ड्स विल और शैल. ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड्स हैं, मॉडल्स में भी ये काफ़ी यूज़ होते हैं विल और शैल. और आज जो इस टेंस में इनका यूज़ है वो मैं आपको यहाँ बताऊँगी. तो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर विल या फिर शैल, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, मैं भी आपको अभी बताती हूँ. और फिर वी वन, वी वन क्या है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो जो वर्ब की एक्चुअल फॉर्म है बेस फॉर्म, जैसे गो वेंट गॉन में गो, गो बेस फॉर्म है. प्ले प्लेड प्लेड, इसमें प्ले बेस फॉर्म है. तो यहाँ सेकेंड और थर्ड फॉर्म की टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये टेंस बहुत ही आसान है. सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ब के बेस फॉर्म यूज़ करनी है और जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी बहुत ही कम है, विल और शैल. उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट वरना नहीं, ठीक है. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें सब्जेक्ट का आपको ध्यान नहीं रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आई वी यू दे ही शी इट या फिर किसी के नाम के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं. अगर आप शैल को लेकर कंफ्यूज हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, मैं अभी आपको बताती हूं. तो आई विल रीड, वी विल रीड मतलब कि मैं पढ़ूंगी, हम पढ़ेंगे. यू विल रीड तुम पढ़ोगे, दे विल रीड वे पढ़ेंगे, ही विल रीड शी विल रीड इट विल रीड. तो आप सबके साथ विल का यूज कर सकते हैं. उसके अलावा शैल के लिए आई और वी, इन दोनों के साथ आप शैल का यूज कर सकते हैं. लेकिन मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज बहुत ही अनकॉमन हो गया है. तो अगर आप आई और वी के साथ विल बोल रहे हैं तो भी गलत नहीं है, और अगर आई और वी के साथ आप शैल यूज कर रहे हैं तो भी गलत नहीं है. तो आप सबके साथ विल यूज कर सकते हैं. अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप सीधे विल यूज कर लीजिए. लेकिन एक बात और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप स्ट्रांग इमोशंस बता रहे हैं, कोई स्ट्रांग सेंटेंस है जिसमें कि कोई इमोशन व्यक्त हो रहा है, कोई कमांड है, कोई ऑर्डर है, तो ऐसे में इस रूल को हम पलट देते हैं. तो आई और वी के साथ अगर आप कोई स्ट्रांग इमोशन दिखा रहे हैं ना, तो आई और वी के साथ आप विल का यूज करेंगे और यू दे ही शी इट के साथ आप शैल का यूज करेंगे. ये मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी जब मैं विल शैल को कंपेयर करूंगी. अभी इस वीडियो में इस टेंस के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आप सीखते जाइए कि आई वी यू दे ही शी इट सबके साथ आप विल का यूज कर सकते हैं, आई और वी के साथ आप शैल का यूज भी कर सकते हैं. क्लियर? अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. सो टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द फ्यूचर, कोई एक्शन फ्यूचर में डिस्क्राइब करने के लिए हम इसे यूज करते हैं. सेंटेंसेस है मैं जाऊंगी,
मैंने बोला मैं जाऊंगी, तो मैंने लिखा आई विल गो। मैं इसे आई शैल गो भी बोल सकती हूँ, गलत नहीं होगा। वह आएगी, शी विल कम। राम कल दिल्ली जाएगा, तो गा रहा है, गागी, गे, ये आ रहे हैं, इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और क्योंकि ये चीजें अभी तक हुई नहीं है, सारी चीजें फ्यूचर में होंगी, और फ्यूचर क्योंकि कहते हैं ना कि हमने भविष्य नहीं देखा, हमें पता नहीं है, तो अनप्लान चीजों के लिए मोस्टली हम इन्हें यूज करते हैं। कि अब मैंने बोल दिया यहाँ पे राम कल दिल्ली जाएगा, राम विल गो दिल्ली, सॉरी यहाँ पे टू मिस कर दिया मैंने, राम विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो राम के साथ विल आया, गो टू दिल्ली, गो क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टुमारो यानी कि कल, जो कि अभी तक आया नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, आई शैल वेट फॉर यू। तो यहाँ पे आई शैल वेट बोल रही हूँ, आई विल भी बोल सकती हूँ, तो आई विल वेट फॉर यू। मैं आज शाम अपने दोस्त के घर जाऊंगी, आई विल विजिट माई फ्रेंड दिस इवनिंग। तो यहाँ मैंने बोला आई विल विजिट माई फ्रेंड दिस इवनिंग, अभी मैं सिंपल सी एक बात बोल रही हूँ कि मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगी। लेकिन अगर मैं इस चीज के लिए सर्टेन हूँ, श्योर हूँ, इफ यू आर सर्टेन, या फिर प्लान हो कोई चीज, प्लान है कि मुझे आज शाम उसके घर जाना है, तो यहाँ पे विल की जगह हम यूज करते हैं बी प्लस गोइंग टू। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए समझना जरूरी है। यहाँ बी क्या है, इज एम आर। तो अगर मैं इज एम आर यूज कर रही हूँ तो आपको लगेगा ये तो प्रेजेंट में यूज होता है, तो फ्यूचर के लिए कैसे यूज होगा। तो फ्यूचर के लिए भी हम प्रेजेंट वाला ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इज एम आर प्लस गोइंग टू, जब कोई चीज प्लान होती है। तो जैसा कि मैंने कहा मैं आज शाम अपने दोस्त के घर जाऊंगी, ये प्लान है, तो मैं बोलूंगी आई, आई के साथ इज एम आर में क्या आएगा, एम। आई एम गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड दिस इवनिंग, तो ये चीज प्लान थी, तो हमने बी गोइंग टू का यूज किया। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट का भी यूज करते हैं अगर फ्यूचर के लिए कोई चीज प्लान हो तो। अब देख लेते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, फिर जैसे हर टेंस में होता है, जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ जाता है, वही चीज यहाँ भी होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आ गया, नॉट बीच में आ गया, फिर मेन वर्ब, उसके बाद आगे की चीजें। तो अगर मैं इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में बनाऊं तो मैं बोलूं मैं नहीं जाऊंगी, तो क्या बोलूंगी, आई विल, फिर नॉट, फिर गो, तो विल और गो के बीच में नॉट, आई विल नॉट गो, या फिर आई शैल नॉट गो। ठीक है, वह नहीं आएगी, शी विल नॉट कम, इस तरीके से। राम कल दिल्ली नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी, आई शैल नॉट वेट फॉर यू। तो ये बहुत ही इजी है गाइस, कि अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दीजिए। ठीक है, अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। तो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर आप इस तरीके से समझें कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जहां हम क्या से शुरुआत करते हैं, क्या तुम ऐसा करोगे, जवाब में हाँ ना मिलता है, ऐसे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले कर देते हैं। या फिर आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हम इसे इनकी जगह को एक्सचेंज कर देते हैं, ये पहले आ जाता है, ये बाद में। तो विल या फिर शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वी वन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, फिर उसके बाद बाकी की चीजें। तो चलिए इन्हें हम इन्हीं सेंटेंसेस में समझते हैं। क्या मैं जाऊंगी, वैसे मैं खुद के लिए क्यों पूछूंगी, अगर मैं बोलूं क्या तुम जाओगे तो मैं पूछूंगी विल यू गो, विल फिर सब्जेक्ट यू फिर वर्ब गो। क्या वह आएगी, विल शी कम, सो विल फिर सब्जेक्ट शी फिर कम। क्या राम कल दिल्ली जाएगा, विल राम गो टू दिल्ली टुमारो, तो विल पहले आ जाना है और राम को यहाँ आ जाना है, एक्सचेंज हो जाएगी इनकी जगह। फिर आते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो इसमें क्या होगा कि जैसा कि मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगता है, लेकिन इंटरोगेटिव में क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। तो विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि वी वन, फिर बाकी की चीजें। विल सब्जेक्ट में मान लो ही ले लिया, विल ही नॉट गो, क्या वह नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो, विल राम नॉट कम, क्या राम नहीं आएगा।
तो इस तरीके से आपने इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देना है। अब ये तो हो गए यस नो क्वेश्चन, जिसमें कि हाँ ना में जवाब मिलता है। अगर क्वेश्चन वर्ड भी है साथ में कि राम क्यों नहीं जाएगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। जब भी किसी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड है तो वो सबसे पहले आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, राम क्यों नहीं जाएगा, तो क्यों की इंग्लिश वाई, सबसे पहले रख देंगे वाई, और हम उसे बनाएंगे वाई, फिर उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो, वाई विल राम नॉट गो। तो आप ध्यान दीजिए कि यहां से लेकर यहां तक यही स्ट्रक्चर चला, इंटरोगेटिव नेगेटिव, बस पहले उसके क्वेश्चन वर्ड आ गया। यही चीज इसमें भी चलेगा, अगर नॉट नहीं है तो हम बोलेंगे व्हाई विल राम गो, मतलब कि राम क्यों जाएगा, नॉट नहीं है तो ये स्ट्रक्चर चलना है और सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाना चाहिए। अब आप एक चीज को समझिए गाइस, कि लगभग आपने देखा कि मैंने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया, पास्ट इंडेफिनिट में बताया और इसमें भी बताया, कि जो ये सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर है ना, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये सिमिलर ही हैं। केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है लेकिन इनकी पोजीशंस वैसे ही रहती हैं। तो अगर एक भी टेंस में आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आप समझ गए कि इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं और हमें सेंटेंसेस कैसे बनाने और कैसे सेंटेंसेस को हम यहाँ यूज करते हैं। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स पे, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ना, जब हम दो वर्ड्स को जोड़ के एक वर्ड बना देते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि आई और विल जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये डब्ल्यू आई गायब हो जाएंगे और आई के बाद अपोस्ट्रोफी देन एल एल, तो ये डबल एल सब में लग जाएगा और इसमें परेशान बिल्कुल नहीं होना क्योंकि इनमें से किसी की स्पेलिंग चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू आई को हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो इनसे प्रोनाउंस करेंगे आई, इसे यूल, इसे व्हील, इसे शील। तो जैसे प्रोनाउंस करते हैं शी, एल साथ में लगा के बोलेंगे शील, ही हील, इट इटल, दे देयर, इस तरीके से। अब ये थे विल के कॉन्ट्रैक्शंस। शैल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, अगर आपको आई शैल बोलना है तो आप इसे शॉर्ट नहीं कर सकते, इसे आप पूरा पूरा बोलेंगे, आई शैल गो, आई शैल कम, आई शैल रीड, इस तरीके से। तो ये हो गए आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए कॉन्ट्रैक्शंस। अब बात करते हैं नेगेटिव में, हम विल के बाद नॉट यूज करते हैं, शैल के बाद नॉट यूज करते हैं, तो जब इन्हें कॉन्ट्रैक्ट करते हैं साथ में जोड़ते हैं, तो विल और नॉट को जब हम जोड़ेंगे तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट, इसे प्रोनाउंस करेंगे वोंट, W O N, यहाँ स्पेलिंग आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ कोई कनेक्शन सा नहीं दिख रहा, यहाँ स्पेलिंग बदल गई, W O N फिर अपोस्ट्रोफी T, प्रोनाउंस करेंगे वोंट। अब यहाँ पे नेगेटिव में शैल और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, तो शैल और नॉट को आप लिखेंगे S H A N अपोस्ट्रोफी T और इसे प्रोनाउंस करेंगे शांत या फिर शांत, इस तरीके से। ब्रिटिश और अमेरिकन का इसमें फर्क आ जाएगा शांत या फिर शांत में, तो इसकी प्रोनंसिएशन ये हो गई। तो अब आपने कॉन्ट्रैक्शंस भी सीख लिए, तो जब इन्हें सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो आप बोलेंगे आई गो, शील कम, शील नॉट कम या फिर शी वोंट कम। तो शी विल नॉट कम को आप दो तरीके के कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर सकते हैं, एक तो शी और विल को जोड़ सकते हैं और लिख सकते हैं शील, शील नॉट कम, और या फिर आप विल नॉट को जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे शी वोंट कम, ठीक है। तो एक ही सेंटेंस में आप दो तरीके के, मतलब कि जब आप अलग अलग सेंटेंस बनाएंगे तो दो तरीके से इन्हें कॉन्ट्रैक्ट करके एक साथ जोड़ के लिख सकते। तो गाइज ये बहुत ही आसान सा टेंस है, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, इसमें कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ शैल और विल की है। तो मैंने आपको बता दिया कि सब के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं, आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, और उसमें भी ये बता दूं कि क्योंकि ये ज्यादा कॉमन नहीं है तो स्पोकन में विल ही चलता है, रिटन इंग्लिश में जैसे आप फॉर्मल ईमेल्स वगैरह लिख रहे हैं तो आप शैल का यूज करते हैं, या फिर जब आप स्ट्रांग इमोशन बताते हैं तब आप इसी चीज को पलट देते हैं, आई और वी के साथ आप विल का यूज करते हैं और बाकी सब के साथ आप शैल का यूज करते हैं, तो वहां पे आपके स्ट्रांग इमोशन समझ में आते हैं, यानी कि स्ट्रांग फ्यूचर आप बताते हैं वहां पे। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, लेकिन गाइस जाइएगा नहीं क्योंकि इसके बाद एक क्विज है जिसमें कि आप अपने मार्क्स अपने स्कोर्स खुद चेक करेंगे और वीडियो के एंड में आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो आप उस क्विज को देखकर पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से जवाब दीजिए, उसके
उसके बाद ही आंसर को देखिएगा, और आपने कितने स्कोर बनाए ये मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अभी ले लीजिए आप एक स्क्रीनशॉट। ऑलराइट गाइस, एक बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा कि विल और शैल पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी आगे चल के, क्योंकि विल और शैल बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बहुत सारे यूसेज हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आपको कुछ रिक्वेस्ट करना है तो आप विल का यूज कर दें, लेकिन अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है या फिर कुछ ऑफर करना है तो आप शैल का यूज करते हैं, वहां आप विल का यूज नहीं कर सकते। ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं तो आगे की वीडियोज में आपको मिलती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद आने वाले बेल के निशान को जरूर प्रेस करें गाइस, उसके बाद ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें। गाइज, मैं मिलूंगी आपसे डे 20 में, और जहां आप सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, तो वो वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। और हाँ, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि आपने कितने स्कोर किए। थैंक यू सो मच, विल मीट यू सून, बाय बाय।